काशी भारत की धर्म नगरी है, लेकिन काशी के इतिहास में कई अनदेखे पन्ने खुलते हैं। इनमें से एक है शिवाला की लड़ाई, वो लड़ाई जिसने अंग्रेज कमांडर वॉरेन हेस्टिंग्स को भागने पर मजबूर कर दिया था। मल्लाहों ने यहाँ ऐसी बहादुरी दिखाई कि इस अंग्रेज बहादुर की हालत डब्बू भगौड़े जैसी हो गई थी। दुम दबाकर वो भागा था, और भागा भी कैसे, औरतों के भेष में। लेकिन शिवाला की लड़ाई में आखिर अंग्रेजों से भिड़ा कौन, और कैसे बंदूकों से लैस अंग्रेजों की फौज को यहाँ ढेर कर दिया गया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। काशी के नरेश थे बलवंत सिंह, जो कि भूमिहार थे। उनकी दो रानियां थी, पहली गुलाब कंवर जो राजा की तरह ही भूमिहार थी, जबकि दूसरी पन्ना जो राजपूत थी। पहली रानी से राजा को कोई बेटा नहीं था, बल्कि एक बेटी थी जिनका नाम पद्म कुंवर था। वहीं राजपूत रानी गुलाब कंवर से दो बेटे हुए, चेत सिंह और सुजान सिंह। अब राजा के बेटे राजपूत रानी से जन्मे थे, सो उन्हें डर था कि उन्हें अगर उत्तराधिकारी बना दिया तो भूमिहार समाज नाराज हो जाएगा। ऐसे में बलवंत सिंह ने अपनी बहन के लड़के मनियार सिंह को गोद लिया और गद्दी पर बिठा दिया। उधर राजा का बेटा चेत सिंह भी गद्दी पर बैठना चाहता था। चेत सिंह को लगता था कि उसके पिता ने उसका अधिकार छीना है, उसे गद्दी पर बैठाने की जगह गोद लिए हुए एक बेटे को गद्दी पर बिठा दिया है। इसी बीच उसे एक ताकतवर भूमिहार सरदार औसम सिंह का साथ मिल गया। फिर चेत सिंह ने अंग्रेजों से भी हाथ मिला लिया। कंपनी बहादुर वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद से चेत सिंह ने 22 अगस्त 1770 के दिन काशी की गद्दी हथिया ली और काशी नरेश बन गए। इस बगावत की खबर जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला तक पहुंची तो नवाब का पारा चढ़ गया। असल में बात यह है कि बलवंत सिंह और शुजाउद्दौला दोस्त हुआ करते थे, और बनारस का एरिया अवध के अंदर आता था। शुजाउद्दौला ने तुरंत अपनी फौज को काशी पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। अब इधर चेत सिंह ने गद्दी जरूर पा ली थी, लेकिन अवध से लड़ने की हिम्मत अभी उनमें नहीं आई थी। इसलिए उन्होंने जौनपुर में शुजाउद्दौला से मुलाकात की, उन्हें समझाया। नवाब का दिल चेत सिंह की बातें सुनकर पिघल गया, और उन्होंने चेत सिंह को गले लगाकर अपने बेटे आसफुद्दौला से कहा कि आज से चेत तुम्हारा भाई है। दोनों ने पगड़ी बदली और जिंदगी भर का रिश्ता कायम कर लिया। इस दोस्ती से अंग्रेजों को बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने सोचा था कि काशी नरेश की फैमिली को आपस में लड़वा लेंगे और काशी पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1775 में नवाब शुजाउद्दौला की मौत हो गई और उनके बेटे आसफुद्दौला नवाब बन जाते हैं अवध के। लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने खेल कर दिया। उन्होंने नए नवाब से नया समझौता किया, जिसकी वजह से काशी अवध के कंट्रोल से आज़ाद हो गया। ये वो वक्त था जब अंग्रेज भी फ्रांस के साथ जंग में फंसे हुए थे, 7 Years War, और उस जंग में पैसा पानी की तरह बह रहा था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के राजाओं और रियासतों से पैसा ऐंठने को कहा गया। इसका असर बनारस पर भी दिखा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह से अगले 3 सालों के लिए 5 लाख रुपए का टैक्स मांगा। चेत सिंह ने पहले साल तो 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर दिया, लेकिन दूसरे साल वो इतना पैसा दे नहीं पाए। वॉरेन हेस्टिंग्स इससे भड़क गया और उसने चेत सिंह पर 1 लाख रुपए का अलग से जुर्माना लगा दिया। अब मरता क्या ना करता, चेत सिंह को पे करना पड़ा। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स का लालच नहीं कम हुआ। उसने चेत सिंह से 1000 घुड़सवार सैनिक मांगे। किसी तरह चेत सिंह ने 500 घुड़सवार दे भी दिए। इस पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। चेत सिंह ने साफ मना कर दिया, तो हेस्टिंग्स ने नया दांव खेला। कहा कि जनरल ग्रहम की कमान में एक आर्मी यूनिट काशी भेजी जा रही है, अगर चेत सिंह ने जुर्माना चुका दिया तो सेना को बीच रास्ते रोक दिया जाएगा, नहीं तो चेत सिंह को जुर्माने के अलावा आर्मी यूनिट के खर्चे भी उठाने होंगे। अब किसी तरह चेत सिंह ने अपने छोटे भाई सुजान सिंह की मदद से 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। अगले ही साल यानी 1781 के अगस्त महीने में हेस्टिंग्स काशी आ गया और मशहूर माधोदास के बगीचे में रुका। आज ये बगीचा काशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे राधा स्वामी बाग नाम से जाना जाता है। अब काशी पहुंचते ही हेस्टिंग्स ने काशी के रेजिडेंट मिस्टर माकरम को काशी नरेश चेत सिंह को गिरफ्तार करके पूरे हरजाने की वसूली का आदेश दे दिया। ये तारीख थी 17 अगस्त 1781। चेत सिंह उस दिन रामनगर के अपने राजमहल में नहीं थे, बल्कि पूजा करने गंगा के दूसरे किनारे में मौजूद शिवाला के किले में आए हुए थे। आज उस घाट को चेत सिंह घाट नाम से जाना जाता है। काशी के रेजिडेंट ने अपने दूत चेत राम को संदेशा देकर राजा के पास भेजा। अब चेत राम एक अनोखा किरदार था, मतलब हेस्टिंग्स की फजीहत में उसका बहुत बड़ा रोल था। ये काशी का बदनाम गुंडा था और बड़े रौब और तैश के साथ ये राजा से मिलने पहुंच गया। दरबार में चेत राम काशी नरेश के सामने हर सलीका भूल गया, इज्जत से बात करने की बजाय बेअदबी करने लगा। इतिहास में दर्ज है कि चेत राम ने काशी नरेश से ये कहा था,
मैं हूं चेत राम और तुम हो चेत सिंह। तुम्हें पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्यादा भी कंपनी जितना ही ताकतवर है। सो अगर तुमने कंपनी की शान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारी कमर को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए सीधा गवर्नर जनरल के पास ले जाऊंगा। काशी नरेश का इतना अपमान पास में खड़े एक सैनिक ननकू सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तलवार निकाली और एक ही वार से चेत राम का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कत्ल से जंग का ऐलान सा हो गया। चेत राम की मौत की खबर हेस्टिंग्स के पास ही पहुंची। वो हैरान रह गया। उसने फौरन लेफ्टिनेंट आर्क स्कॉट, लेफ्टिनेंट सैम्स और लेफ्टिनेंट जे स्टॉकर की कमान में फौज की दो कंपनियों को कूच करने का हुक्म दिया। हेस्टिंग्स का आदेश था चेत सिंह को चेन में जकड़कर लाने का। इधर काशी नरेश शिवाला के किले में मौजूद थे। चेत सिंह के रक्षकों ने ब्रिटिश कमांडरों को किले के दरवाजे पर ही रोक लिया। बातें बहस में बदली और बहस झगड़े में, और उसके बाद झगड़ा युद्ध में बदल गया। अब दिक्कत यह थी कि चेत सिंह अपने राजमहल से काफी दूर थे। उनके साथ कुछ ही सैनिक थे और सामने खड़ी थी अंग्रेजों की दो बड़ी कंपनियां। चेत सिंह इस चिंता में थे कि कैसे और कब तक अंग्रेजों को रोक सकेंगे, और अंग्रेजों ने शिवाला का किला अगर जीत लिया तो उनके राजमहल तक पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगेगी। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें भीड़ का सिंहनाद सुनाई दिया। उनके सामने खड़े थे शिवाला में रहने वाले सैकड़ों देशभक्त मल्लाह, जो हथियार उठाकर अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अंग्रेजों के साथ जंग शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट आर्क स्कॉट, लेफ्टिनेंट सैम्स और लेफ्टिनेंट जे स्टॉकर सहित कम से कम 200 ब्रिटिश फौजी मार डाले गए। शिवाला के किले में अंग्रेजों की हालत की खबर पूरे काशी में फैल गई और इसके बाद आम जनता भी हथियार उठाकर सड़कों पर उतर पड़ी। रेजिडेंट हाउस को घेर लिया जनता ने और वहां भी ब्रिटिश फौजी मारे जाने लगे। ये खबर वॉरेन हेस्टिंग्स को भी मिली और वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जनता और काशी नरेश के फौजियों ने उनका ठिकाना भी घेर रखा था। तब उन्हें सलाह दी गई कि देखो, अगर जान बचानी है तो औरत का भेष रखकर पालकी में सवार होकर निकल जाओ। अब हेस्टिंग्स की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी, जान खतरे में थी, और जान बचाने के लिए उसने महिलाओं के कपड़े पहने और पालकी में सवार होकर जंग की भूमि से निकल गया। तभी से काशी की गलियों में डरपोक हेस्टिंग्स को लेकर ये वाली कहावत कही जाने लगी, घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवाला की लड़ाई की। आज भी काशी में शिवाला की उस अद्भुत जंग के निशान हैं। जंग में मारे गए अंग्रेज अफसरों की कब्र आज भी वहां मौजूद हैं। आपको शिवाला की ये जंग और अंग्रेजों को वहां का मिला सबक कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।